गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक राजेंद्र अग्रवाल है। आज मैं आपको ALV रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब ALV रिपोर्ट के दो प्रकार हैं, एक है कॉल बाय फंक्शन और दूसरा है कॉल बाय मेथड। एक मेथड से हम ALV रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और दूसरा फंक्शन से। तो आज हम ALV रिपोर्ट जनरेट करेंगे बाय कॉल बाय मेथड से। हम ALV मेथड अब जनरेट करेंगे कि कॉल बाय मेथड से हम कैसे ALV रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ALV रिपोर्ट जनरेट करने से पहले उसका हमें टी कोड जानना पड़ेगा। तो टी कोड है SC38। अब वी विल क्रिएट एन ALV रिपोर्ट। अब ALV जब भी हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, इट विल स्टार्ट विथ जेड और वाई। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी हम स्टार्ट करना है, कुछ भी हमें क्रिएट करना है, तो वो स्टार्ट होगा जेड नहीं तो वाई से। तो हम लिख देते हैं जेड अभिषेक, ठीक है अभिषेक, सो स्क्रोल क्रिएट। अब ये हो गया। अभी टाइटल देना होगा इसमें, तो अभी हम टाइटल देंगे ALV यूजिंग ऑब्जेक्ट मॉडल। ALV यूजिंग ऑब्जेक्ट मॉडल। टेबल नेम भी लिख देते हैं हम, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी पड़े। और टेबल SPFI, ये है टेबल का नाम। अभी टाइप, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो अभी स्टेटस देखते, तो स्टेटस में आएंगे कस्टमर प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये देखिए, आप सबसे पहले टाइप किए था एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, दूसरा स्टेटस है कस्टमर प्रोडक्शन प्रोग्राम। जस्ट सेव कर देंगे, हो गया हमारा। इसको हम लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे। ये अभी ये पैकेज आ गया, कौन से पैकेज में हमें सेव करना है, तो हमें लोकल ऑब्जेक्ट में हम इसे सेव कर देंगे। 1-2 मिनट लगेगा। ये देखिए जेड अभिषेक, एक नया हमारा प्रोग्राम जनरेट हो गया है। अभी हम टेबल चूज करेंगे और उसमें से फील्ड्स लेंगे। तो टेबल की फील्ड्स वगैरह लेने के लिए सबसे पहले स्लैश ओ से क्या होगा, अगर बाई चांस सपोज यहाँ पर हम SC11 कर देते हैं डायरेक्ट, तो जो प्रीवियस अपना ये जो है वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो वो ऐसे हम नहीं चाहते, तो हम सबसे पहले लेंगे SC11। अगर टाइप करते हैं हम, तो प्रीवियस पेज जो है वो चले जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्लैश ओ SC11। देखिए SC11, इससे क्या हो गया, एक न्यू पेज ओपन हो गया। ये देखिए हमारा प्रोग्राम का पेज। और ये अब डेटाबेस टेबल, ये डेटाबेस टेबल है। अभी हम इस पर टाइप करेंगे SPFLI, ठीक है, और डिस्प्ले। ये देखिए ये फील्ड्स आ गए, SPFLI के फील्ड्स है। हम टोटल यहाँ तक लेंगे, AirPTO तक लेंगे। इसमें लिखेंगे हम टाइप, कौन सा टाइप है, कैप्स में टाइप। हाँ, अब सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स हम क्यों लिखेंगे, तो देखिए हम अगर टाइप्स नहीं लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक जैसे मैंडेट क्लाइंट का जो है वो भी कॉलम अपने आप इंसर्ट कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए, मैंडेट हमें नहीं चाहिए। तो इसी कारण हम टाइप्स लिखेंगे जो हमें स्पेसिफिक डाटा देगा, कोलन, उसके बाद में बिगिन बिगिन ऑफ TY क्या है, SPFLI, ठीक है। इसके बाद में जो फील्ड्स है वो हम लेंगे,
ये जो है ये फील्ड्स हमने कॉपी कर लिया है, ये SPFLI पे बस कॉमा कर दिए। अभी ये जो फर्स्ट फील्ड है तो उसके अंदर स्पेस टाइप और वापस इसका नाम कॉमा टाइप ईयर PTO, ये हो गया, कॉमा कर देंगे। अब करेंगे एंड, ये बिगिन किया है तो अब एंड, एंड ऑफ स्पेस एंड ऑफ TY SPFLI बंद, ये हो गया अपना एक। अब स्पेस देखेंगे, अब दूसरा है टेबल, अभी हमें टेबल क्रिएट करना है तो टेबल्स, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, SPFLI का, ठीक है। उसके अंदर हमें जाना है डेटा टाइप करना है, डेटा IT, एंड ये है IT का मतलब है इंटरनल टेबल, तो IT क्या होगा, अभी हम टाइप करेंगे IT, IT फॉर इंटरनल टेबल, IT SPFLI टाइप टेबल ऑफ SPFLI, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शंस, सिलेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए, उसके बाद में आएगा SO इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। फिर बाद में फॉर SPFLI, उसके बाद में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में सिलेक्ट ऑप्शन हो गया। अब सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करने का है, जो जो हमें फील्ड चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमने फील्ड सिलेक्ट कर लिया है। अभी कहाँ पर, फ्रॉम SPFLI इनटू फील्ड ऑफ, करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ टेबल IT SPFLI। इसके बाद में वेयर कंडीशन, तो वेयर फर्स्ट फील्ड का हमने नाम दे दिया, फिर बाद में इन सो SPFLI, ठीक है, ठीक है, ये हमारा वेयर कंडीशन हो गया है। अभी हम फुल स्टॉप कर देंगे, ये हमने लिखा है। अभी ये जो है कॉल बाय मेथड के लिए, तो डेटा LR ELV टाइप ref2 CL SALV टेबल ट्राई कॉल मेथड,
CLSLV टेबल फैक्ट्री, ये हो गया हमारा। देखिए अब टी टेबल के अंदर SPFL आए, हमने लिख दिया है, जस्ट इसको सेव कर देंगे। और ये देखिए प्रोग्राम जेड अभिषेक सेव्ड, नाउ जस्ट एक्टिवेटेड, सी ऑब्जेक्ट इज एक्टिवेटेड, नाउ विल जस्ट रन इट, सी ऑल द डाटा इट इज हियर। नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट ओनली 5 रोज, ओनली 5 रोज, सो जस्ट आई नीड टू राइट हियर अप टू 5 रोज, दैट्स इट, एंड जस्ट आई हैव टू सेव इट एंड एक्टिवेट इट। ऑब्जेक्ट इज एक्टिवेटेड, नाउ जस्ट एंड इट विल शो ओनली अप टू 5 रोज। दिस इज द टाइप ऑफ ALV रिपोर्ट यूजिंग कॉल मेथड फंक्शन। दिस वन आई हैव क्रिएटेड, इट्स रिलेटेड टू मारा, सेम एज प्रीवियस वन वेयर वी हैव यूज्ड द कॉल मेथड फंक्शन ALV रिपोर्ट। जस्ट आई हैव एक्टिवेटेड एंड नाउ सी इट इज हमारा टेबल। सो हियर वी कैन डू ALV रिपोर्ट यूजिंग कॉल बाय मेथड फंक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।